प्रशासक के सलाहकार एवं पीडब्ल्यूडी सचिव एसएस यादव ने निर्माणधीन दमनवापी मुख्य मार्ग का आज निरीक्षण किया। कलेक्टर संदीप कुमार सिंह, एसडीएम चार्मी पारेख, डीएमसी सीओ वैभव रिखारी, मामलतदार एसएस ठक्कर, बीडीओ धर्मेश दमनिया और पीडब्ल्यूडी की टेक्निकल टीम के साथ यस बैंक से लेकर आगे तक चल रहे रोड डिवाइडर फुटपाथों के कार्यों का निरीक्षण किया। जहां भी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को सुधार जरूरी लगा, फॉरेन टेक्निकल टीम व अफसरों को योग्य निर्देश दिए। मालूम हो कि इस समय होटल सुरुचि से लेकर दाबेल चेकपोस्ट तक मुख्य मार्गों का पुनः निर्माण का काम चल रहा है। लाओ बिजली बचाओ। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी।